नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है आटे के दिए क्यों जलाए जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि मंदिरों में दीपक जलाते हुए। आटे के दिए क्यों जलाए जाते हैं, किस भगवान के लिए दीपक जलाए जाते हैं, किस मनोकामना के लिए जलाए जाते हैं, कब से शुरू करें और कौन से बार को शुरू करें, इस सब की जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। मंदिरों में आटे का दीपक जलाते हुए अक्सर देखा होगा। आटे का दिया विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए जलाया जाता है और दियों से आटे का दिया जलाना शुभ होता है। अक्सर मानत के लिए दिए आटे के ही बने होते हैं। अन्य दीपक की तुलना में आटे के दीपक को शुभ और पवित्र माना गया है। माँ अन्नपूर्णा का आशीष इस दीपक को समृद्ध ही मिल जाता है। माँ दुर्गा, भगवान हनुमान जी, श्री गणेश जी, भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी, भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण, सभी के मंदिरों में आटे का दीप कामना पूर्ति के लिए जलाया जाता है। मुख्य रूप से तांत्रिक क्रियाओं में आटे का दीप को जलाते हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, नौकरी पाने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, खुद का घर होने के लिए, लड़ाई झगड़े की परेशानी के लिए, पत्नी का विवाह समाप्त करने के लिए, जीवन जायदाद कोर्ट कचहरी में विजय झूठे मुकदमे तथा घोर आर्थिक संकट के निवारण हेतु आटे के दीपक संकल्प के अनुसार जलाए जाते हैं। ये दीपक घटती और बढ़ती संख्या में लगाए जाते हैं। एक दीप से शुरुआत कर उसे 11 तक ले जाया जाता है। जैसे संकल्प के पहले दिन एक, फिर दो दिए, फिर तीन दिए, फिर चार दिए, फिर पांच दिए और 11 तक दीपक जलाने के बाद 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, ऐसे फिर घटते क्रम में दीपक जलाए जाते हैं। बहुत से लोग ये गलती कर लेते हैं कि जो आटा पहले से गूंदा होता है उसी से ही पूजा का दीपक बना लेते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। दीपक जलाने के लिए आटे में थोड़ी हल्दी मिलाकर गूंदे, क्योंकि पूजा के लिए दीपक जलाने में आटे में नमक नहीं होना चाहिए। जब भी दीपक जलाना शुरू करें, पक्ष और बार देखकर शुरू करें। पक्ष शुक्ल पक्ष और बार सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार में जला सकते हैं। मंगलवार और शनिवार को ना शुरू करें। मनोकामना पूर्ति के लिए जलाए जाने वाले दीपक को इन दिनों में शुरू ना करें। बाकी किसी भी दिन दिए जलाएं। अगर आप अच्छे मुहूर्त में दीपक जलाते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी। एक बात और याद रखें, आपकी मनोकामना बीच में पूरी हो जाए तो बीच में छोड़ना नहीं। आप संकल्प को पूरा करें। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप भगवान का धन्यवाद करें। दीपक को सीधे फर्श पर ना रखें, आसन देकर रखें। पर जब भी दीपक जलाना शुरू करें, मन्नत को बोलते हुए दीपक जलाएं। आटे का दीपक जलाने से हर मनोकामना पूरी होती है, इसलिए पूजा के दौरान आप आटे का प्रयोग जरूर करें। ऐसा करने से कामना पूर्ण हो जाएगी। जब आपकी कामना पूरी हो जाए तो उसके बाद मंदिर में जाकर फिर से आटे का दीपक जरूर जलाएं। माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए आटे का दीपक जलाएं। शास्त्रों के अनुसार आटे का दीपक जलाने से माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न हो जाती है और माँ का आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसा होने से घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होती है। एक बात और, कई लोग तो घटते कर्म में दीपक जलाते हैं, कई लोग बढ़ते कर्म में भी दीपक जलाते हैं, कई लोग डेली एक दीपक भी जलाते हैं। डेली एक दीपक जलाने से भी आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने से और सब्सक्राइब करने से हमें नई वीडियो बनाने का उत्साह मिलता है। अगर इस वीडियो के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको जानकारी देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।